देखिए पाकिस्तान लाख आपत्ति जताई, हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए, शरणार्थी आए, उसके पहले तो अखंड भारत था ही, तो कोई के आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। 22 जनवरी 2024 का दिन अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न हो गई है। वहीं आपको बता दें कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान के पेट में मरोड़ उठ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक पत्र जारी किया है जिसमें राम मंदिर को लेकर क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने पर पाकिस्तान में आम से लेकर खास लोगों की ओर से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वहीं पाकिस्तान सरकार ने ये कार्यक्रम संपन्न होने के बाद एक बयान जारी किया है और इसकी निंदा की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में लिखा कि चरमपंथियों की एक भीड़ ने 6 दिसंबर 1992 को सदियों पुरानी मस्जिद को गिरा दिया था। ये निंदनीय है कि भारत की शीर्ष न्यायपालिका ने न सिर्फ इस निंदनीय कार्य के लिए जिम्मेदार लोगों को बरी किया बल्कि गिराई गई मस्जिद की जगह पर एक मंदिर बनाने की अनुमति दी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार ने अपने प्रेस रिलीज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को निशाने में लिया है, जिस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, सुनिए। सर आज पाकिस्तान में खलबली मची और पाकिस्तान ने बकायदा एक प्रेस नोट जारी किया। अखंड भारत का पहला चरण आपने बताया था तो उसने लिखा है कि आप पाकिस्तान का कुछ हिस्सा क्यों लेकर बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बकायदा नाम लिख रहे हैं और ये युवा है। देखिए पाकिस्तान लाख आपत्ति जताई, हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए, शरणार्थी आए, उसके पहले तो अखंड भारत था ही, तो ननकाना साहब सहित जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे हैं उनको लेकर के, तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब सिंध गुजरात मराठा सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया गया था और राम मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से ये बयान आया है जिस पर यह देखना होगा कि भारत सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया रहती है।